अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खाना बदोश। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैंगो यानी आम। आपको पता है आम के बहुत से फ़ायदे हैं और आम गर्मियों में इसीलिए पाए जाते हैं कि हमें गर्मी की शिद्दत से बचाएं। और इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। कच्चे आम से हम शरबत बना सकते हैं जिससे लू नहीं लगती और गर्मी में ठंडक का एहसास होता है। इसके अलावा हम बना सकते हैं इससे आइसक्रीम्स, शेक, कस्टर्ड, स्मूदीज, बेशुमार चीज़ें हैं। और एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आम खाते हुए गिल्ट की फीलिंग मत लाइए। लोग कहते हैं नहीं, आम नहीं खाने चाहिए, आम गर्मियों में नहीं खाने चाहिए। तो आम तो होते ही गर्मियों में हैं, सर्दियों में कैसे खाएंगे? ये बात याद रखिए, बल्कि यकीन रखिए कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ जिस मौसम के लिए बनाई है उसकी अफादियत उसी मौसम में है। अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। और आम तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और एंजाइम्स से भरे हुए होते हैं। इसमें विटामिन ई, ए, सी और B6 बहुत वाफर मकदार में होता है। इसके अलावा मिनरल्स होते हैं जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमें फिट और हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें हैं जो हमारी बॉडी से रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं या कम करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर बनाते हैं। और आजकल तो बहुत ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी आप बूस्ट करें। और एक और राज की बात मैं बताऊं आपको कि मैंगोस एंटी एजिंग भी हैं। तो चलिए फिर हम अपने आम को बनाते हैं आज ख़ास मैंगो आइसक्रीम से। ये देखिए आम लिए हैं हमने बहुत अच्छी क्वालिटी के मैंगो आइसक्रीम के लिए। इनमें से दो मैंगोस को काट के मैं इसकी प्यूरी बना लूँगी और फिर हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। ये देखिए मैंगो की हमने प्यूरी बना ली है। तकरीबन 1 किलो हमारे पास आम थे और बहुत अच्छे और बहुत मीठे। इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क। आप देख लीजिएगा मैंगो टेस्ट करके, अगर इतने स्वीट ना हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। क्रीम है, इसको मैंने व्हिप करके रखा है, ये पूरी जाएगी इसमें। कितना ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की, क्रीमी। और इसको हम कर लेंगे अब मिक्स। बहुत अच्छे तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो बीटर की मदद से कर लें, आप चाहें तो स्पैटुला से कर लें, एज यू विश। ताकि क्रिस्टल्स ना बने, ठीक है। और अब हम इसको कर देंगे कवर। और इसको एटलीस्ट 8 आवर्स के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं ओवरनाइट फ्रीज़र में रह के क्या हाल है उसका। इसको हम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमारी मज़े की आइसक्रीम तैयार है। अब हम इसको कर लेते हैं स्कूप आउट।
बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी आइसक्रीम तैयार है। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी, बनाइए, एंजॉय कीजिए। यकीनन हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बनाएं, एंजॉय करें, जहां रहें महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।